हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज पता नहीं क्यों आज मुझे इतना आलस आता है, कुछ काम करने को भी मन नहीं करता है। मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, कुछ देर देखती हूँ तो मोबाइल भी हाथ से गिर जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत नींद आता है। मैं आज फैन की क्लीनिंग करने वाली थी, फैन क्लीनिंग भी नहीं कर रही हूँ और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए फैन क्लीनिंग भी नहीं कर रही हूँ। मैं आज जो मेरा फिल्टर है, फिल्टर की जो फिल्टर की मैं क्लीनिंग करूँगी, और जो आरो केंट आरो मतलब क्या, हाँ केंट की मैं उसको मैं सफाई करूँगी। तो मैं कैसे सफाई करती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत आलस आ रहा है आज, और कुछ काम करने को नहीं मन कर रहा है। और कपड़े को मैं ऊपर सुखाई हूँ, कपड़े को लेकर आऊँगी। और इस नेट साड़ी कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और जो मैं ऐसे साड़ी को मैं ऐसे जो मेरे पल्लू है, पल्लू को टक करके काम मैं करूँगी, काम पल्लू टक करके काम करूँगी। और ये ना नेट साड़ी बहुत कंफर्टेबल लगता है ये साड़ी पहनने में। और फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल को न्यू विजिट करते हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं न्यू वीडियो डालूँगी तो आप लोग के पास पहुँच जाएगा। सो आप ऑल बटन के साथ कीजिएगा। और देखिए, मैं नाखून भी नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। और मुझे आज इतना टायर्ड लग रहा है, जो आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल जैसा लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं थोड़ी देर काम करूँगी, काम करने के बाद मैं थोड़ा खाना पीना कर हो जाएगा। खाना पीने के बाद आराम से 2 घंटे मैं सो जाऊंगी। चलिए, मैं साफ करती हूँ जो फिल्टर को, मैं हमारी जो केंट आरो की जो फिल्टर है उसको मैं साफ करूँगी। उसके बाद आज मैं कुछ नहीं बनाई हूँ, कल थोड़ा मैं ज़्यादा बना ली ना, खाना हार्ड कर ली, जो मसाले फसाला जोर हो गया, सो इसीलिए आज मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी। हमारे तो उड़ीसा में चावल खाते हैं, आपको मैं बहुत बार बताई हूँ, हमारी उड़ीसा में चावल ही खाते हैं, तो हम भी खाते हैं। हम कंफर्टेबल चावल के साथ, रोटी तो हमको पसंद नहीं है ज़्यादा, तो हम चावल ही खाते हैं, चावल के साथ दाल वो सब खाते हैं। आज मैं एकदम सा सिंपल सा कर रही हूँ, कल बहुत सारा मसाला हो गया था, आज करी हूँ दाल। और वो किचन का मैं नहीं दिखाई हूँ, दाल करी हूँ और दाल बनाई, और गवार फली बनाई हूँ, गवार फली आलू की जो बेसर है, जो मस्टर्ड वो मैं बनाई हूँ, और जो हमारा मूली साग है, मूली साग को बनाई हूँ, और कुछ नहीं बनाऊँगी। और पापड़ है, पापड़ सेक के हम खा लेंगे। तो चलिए, मैं कैसे फिल्टर को साफ करती हूँ। आज ना सुबह से मैं फिल्टर को दे दिया, स्विच दिया था, स्विच देने से घड़ कर रहा है, लेकिन पानी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं, खराब हो गया या क्या कुछ हो गया, मुझे भी पता नहीं चलता है। देखते हैं क्यों खराब नहीं चलता है। तो फिल्टर को मैं साफ कर लेती हूँ, पहले देखती हूँ मेला हुए तो इसी की वजह से नहीं हो रहा है क्या, तो मैं देखती हूँ क्या हुआ। चलिए, मैं फिल्टर को साफ करती हूँ, खोलती हूँ, तो जो मैं उसको ताला को मैं पहले नोट करती हूँ। इसको देखिए मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो सॉरी इसको नहीं तो मैं इधर भी इसको कर दूंगी तो पानी नहीं आएगा, ब्लॉक हो गया पानी। ओह माय गॉड,
इतना गंदा पानी है। नहीं नहीं आए देखो कितना गंदा पानी। बहुत धूप बहुत मेला हो गया। देखिए फिल्टर तो सो इसीलिए फिल्टर नहीं चल रहा है, उसको मैं अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। बाथरूम में मैं साफ करूँगी। इसी सिलेंडर को मैं साफ करने के लिए बाथरूम में ले गई और बाथरूम में अच्छी तरह से मैं इसे हाथ में मतलब झाड़ झाड़ के साफ कर रही थी। थोड़ा सा मेरे पता नहीं मेरे बोरिंग में थोड़ा सा पानी इधर मतलब थोड़ा सा मेला आता है ना, कभी कभार आता है थोड़ा सा मेला, तो इसी की वजह से जो नीचे वाला सिलेंडर है वो तो जो मेला हो जाता है मिट्टी थोड़ा सा मिट्टी जैसा हो जाता है, तो ऊपर का जो सिलेंडर है इसे मैं नीचे वाला सिलेंडर लगाओगे तो ऊपर वाला जो हमारा फिल्टर एरोकेंट में जो कॉस्टली वाला जो सिलेंडर है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। वैसे तो मेरा फिल्टर बहुत दिन हो गया है, लगभग कितना दिन हो गया, 4-5 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जब हम लगाए थे उसी टाइम से कभी भी हम उसको कोई मैकेनिक नहीं बुलाए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे बीच बीच में साफ कर रही थी, लेकिन वो जो अभी ना मैं ज़्यादातर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। तो जब मैं स्विच दिया ना, स्विच जब दिया तो एकदम से पानी मतलब घड़घड़ घड़घड़ आवाज़ हो रहा था, तो घड़घड़ की आवाज़ क्यों हो रहा था पता नहीं चल रहा था। मैं बीच बीच में साफ़ कर रही थी, 1 महीने में 2 महीने में साफ़ कर रही थी, लेकिन आजकल मैं देखी हूँ 3-4 महीना हो गया मैं नीचे वाला सिलेंडर को साफ नहीं किए थे ना, इसी की वजह से शायद हुआ 2 दिन से हुआ था। और मैं सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद जो पानी थोड़ा सा आ रहा है फिर भी जो ऊपर वाला सिलेंडर कहीं ख़राब तो नहीं हो गया पता नहीं, मैं देखती हूँ मैकेनिक को बुलाऊँगी फ़ोन करूँगी। मैं लगाई ना, लगाने के बाद वो चला था एकदम सिंपल, मतलब जो स्मूथली जो चलता है ना स्मूथली नहीं चलता है, इसे घड़घड़ करके चल रहा है लेकिन चलता है पानी आता है। तो एकदम से मैकेनिक को नहीं बुलाऊंगी तो ऊपर में जो कैंट में जो सारे है जो सिलेंडर वो सिलेंडर ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो उसको मैं अच्छी तरह से साफ कर दिया नीचे वाला सिलेंडर को और लगा ली। ऐसे छोटा मोटा काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब कैंट आरो लगाए थे उसी टाइम में जो इंजीनियर को पूछी थी, जो मैकेनिक को मैं पूछी थी उसको कैसे साफ करते हैं मुझे बता दो, तो वो बोले पानी आप ऐसे करते करोगे जो नल के नीचे टैप के नीचे आप प्रेस दे के जो हमारा सिलेंडर है सिलेंडर के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दो, कि प्रेस से पानी छोड़ोगे तो मैला जब होगा वो साफ हो जाएगा ऐसे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, कपड़े को सुखाई थी और देखिए कितना धूप है ना, धूप की वजह से मतलब फेस को भी जलन होता है ना, इसी की वजह से मैं नीचे करके मैं कपड़े को उठा रही थी। 3-4 दिन के बाद ही वो कपड़ा सूखा है, जो हमारा कंथला सूखा है, कंथला को अच्छी तरह से मैं नीचे ले रही हूँ। और जो पहला वाला जो बच्चा है, बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा था तो आप मुझे बताइएगा। मेरे से हमेशा लगता है, पहले मेरे ब्लॉग पहले जो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा वो बच्चा कौन है, मेरे ब्लॉग में आता है कभी कभार। और देखिए कितने जोर से धूप निकल रहा है, बहुत धूप आ रहा है। 2 दिन से बारिश हो रहा था और आज देखिए कितना धूप हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा में कितने तेज धूप है, ऊपर से बादल गरजता है,
कभी भी बारिश हो सकता है, बहुत धूप है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं रखती हूँ। आज तो मैं बोल रही थी ना, बहुत टायर्ड लग रहा है मुझे, बहुत टायर्ड लग रहा है, और पता नहीं क्यों इतना टायर्ड लग रहा है। मुझे लगता है बहुत हार्ड एक्सरसाइज हो रहा है, इसीलिए मुझे टायर्ड लग रहा है। नेल पेंट अभी लगाऊंगी। नेल पेंट लगाने के बाद हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च करके मैं सो जाऊंगी, और ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मुझे आज अच्छा नहीं फील हो रहा। ओके, अभी रखती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे, सॉरी, लेकिन मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। मैं भूल गई थी, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। मैं वहाँ मेरा FB ID और इंस्टा ID में दे दी हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप भी घुसाओ जाओगे, इतना क्या बोलती है। चलिए मैं अभी रखती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।